हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC ऑनलाइन क्लासेस। मैं ज्योति आज आपको टैली में इन्वेंट्री फीचर्स में मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल इस फीचर का यूज़ करना बताऊंगी। देखिए, प्राइस लिस्ट क्या होता है कि जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं, जैसे ओल्ड कस्टमर, न्यू कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हम चाहते हैं उनके लिए एक पहले से लिस्ट प्रिपेयर कर लें कि उनको किस प्राइस में कितना में सेल करना है, कितना डिस्काउंट देना है, ताकि हमें बार बार याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइस लिस्ट का। तो सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स पर आएंगे। यहाँ पे लिखा रहा है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आपको येस करना है। देन उसके बाद नीचे आ रहा है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी येस करना है। इसको येस करने के बाद एंटर करने पर ये विंडो ओपन होकर आएगी। अब जिसके लिए भी आप प्राइस लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे ओल्ड कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमने यहाँ पे टाइप करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पे प्राइस लिस्ट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट तब होगा जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो मैंने दो स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट करके रखे, इसलिए ये ऑप्शन जो है हाईलाइट हो रहा है, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होगा। प्राइस लिस्ट पर आएंगे, ऑल आइटम यहाँ से हमने सेलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूटर, और ये प्राइस लिस्ट किस डेट से आप लोग को एप्लीकेबल करना है, हमें 1 अप्रैल से करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 अप्रैल लिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया डेल लैपटॉप। अब यहाँ पे आ रहा है लेस देन, हमने यहाँ दिया लेस देन 5, मतलब 0 से 5 के बीच में जितनी भी क्वान्टिटी वो हमसे परचेज करेंगे, हम उनको किस रेट पर सेल करेंगे? 48,000 में, और उनको हम 5% डिस्काउंट देंगे। 5 से 10 के बीच में अगर परचेज करते हैं सेम प्राइस 6.5% डिस्काउंट, 10 से 100 के बीच में अगर लेंगे सेम प्राइस 8% डिस्काउंट। अब देखिए, हम इस लिस्ट को ब्रेक करना चाह रहे हैं, 100 के बाद हम यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देंगे कि 100 के बाद कितनी भी क्वांटिटी वो हमसे परचेज करें, हम 48,000 में सील करेंगे और उनको 10% डिस्काउंट देंगे। यहाँ से लिस्ट ब्रेक हो गई। सेकेंड आइटम पूछ रहा है, यहाँ से हमने लिया लेनोवो लैपटॉप, उस तरह से हम इसका भी सेट कर देते हैं, ये हमने डिस्काउंट दिया 32,000, 8% डिस्काउंट, 100 लेंगे तो सेम प्राइस 10%, और अगर 100 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हम उनको 15% डिस्काउंट देंगे। एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसी तरह बाकी के जितने भी कस्टमर हैं हम उनके भी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, ये मैंने पहले से बना के रखी है रिटेलर होलसेलर सभी के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको लेजर क्रिएट करना है, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। जैसे हमने अमित ट्रेडर्स का बनाया सैंडरी डीलर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको डिफाइन करना है प्राइस लेवल, ये जो है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करके ये एक्सेप्ट करवा लिया। इसी तरह मैंने और भी कस्टमर्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं पहले से। अब हमें क्या करना है, इनको सेल करना है, ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर F8। अब यहाँ से हमने पार्टी नेम में सेलेक्ट किया अमित ट्रेडर सेल्स। अब यहाँ पे आ रहा है प्राइस लेवल, देखिए इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया कि ये जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। स्पेस बार डेल लैपटॉप, कितनी क्वांटिटी आप सील कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं 12, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट आ गया। लेनोवो 15 क्वांटिटी, तो उसके अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट आ गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं जैसे 15, तो उसके अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमें प्राइस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट आ जाएगा। और यहीं से हमें इनवॉइस भी प्रिंट करना है, पेजअप किया ऑल्ट पी एंटर और ऑल्ट जेड करके जूम, ये जो है टेलीसेज का इनवॉइस भी प्रिंट हो गया। इसी तरह हम बाकी के कस्टमर को भी सेल कर देंगे, जैसे दीपक जो है वो होलसेलर है, देखिए बस क्वांटिटी आपको देनी है, ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।